हेलो एवरीवन, आज हम एसे के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं, एसे। एसे एसे जो होता है वो टू टाइप ही होते हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस पहले कर लेते हैं क्योंकि वो छोटा होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्वालिटी को जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसके अंदर मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये सब पॉइंट्स जो है वो आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। हम इसके अंदर ये तीन पॉइंट जो है जानने की कोशिश करते हैं। बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में वैसे क्या होता है कि आयंस को एनालाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मास। इसके आयन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है उसको पता लगाया जाता है। आयन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसे पता लगाया जाता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर हम अब बात करेंगे, मेनली फोकस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। सभी मोनोग्राफ में जो ऐसे होंगे ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे डिपेंड होंगे। सो फर्स्ट आता है इसमें चार टाइप्स के एनालिसिस होती है। सबसे पहले है न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ एनालिसिस। सेकेंड वन इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ एनालिसिस। थर्ड इज प्रेसिपिटेटेड टाइट्रेशन। एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये हमारी चार प्रकार की टाइट्रेशन होती है। सो फर्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ एनालिसिस में हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। प्रेसिपिटेटेड टाइट्रेशन जो है सिल्वर नाइट्रेट से रिलेटेड होता है। एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर EDTA का यूज़ करते हैं। सो हम ये एक एक करके पढ़ेंगे, पर साथ ही साथ पढ़ेंगे मोनोग्राफ के। सो कल जो हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ एनालिसिस बोरिक एसिड के अंदर। सो ये है एसे के टाइप्स। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू।